भाई इतना छोटा अंडा भी होता है और वो भी मुर्गी का, यकीन नहीं हो रहा अभी तक मुझे, यकीन नहीं हो रहा कि ये मुर्गी का अंडा है। आप लेट हो गए हो। लेट हो गए। अच्छा तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी, तो उसके बारे में क्या बोलना है? फखर जमान यार, बेस्ट यार। तो हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई लोग आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू डे के अंदर ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई लोग की हाल है, ठीक हो ना? तो भाई अभी का सीन कुछ स्टार्ट करते हैं। भाई महकमे मौसम याद हमेशा गलत ही इन्फॉर्मेशन देती है। भाई कहा था 28 तारीख से फुल तूफानी बारिशें शुरू होंगी यार, इतनी ज्यादा अब सुबह पूरा नीला आसमान हुआ, चेक कर सकते हो भाई। अच्छा, बादलों का तो नामो निशान ही, बादल आए थोड़े वो आए और अब दे के चले गए भाई। कोई बारिश का नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं बारिश आती भी है कि नहीं आती। तो अभी का सीन कुछ हुआ कि वेलकम हो गया आपको एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तैमूर वर्ल्ड को जल्दी से ज्वाइन करो ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भैया अभी का सीन कुछ हुआ, सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपने कबूतरों के बादशाह का रिजल्ट। बच्चे यार काफी बड़े बड़े हो गए, क्या कर सकते हो? क्या करते हो? ये इसमें छोटा वाला थोड़ा सा लेट निकला था, तो जो ये बड़े वाला जो है ना ये काम खराब करेगा, तो इनका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। बाकी जाकर दोनों जट ब्लैक निकले हैं इधर माशाल्लाह से। सबसे अच्छी ग्रोथ हुई इनकी, और इनकी ग्रोथ सबसे अच्छी हो रही है माशाल्लाह से। उधर भी निकले हैं लेकिन वो थोड़ा दूर है, वो नहीं दिखा रहा अभी। तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई, तो इनकी भी जो केयर है अभी थोड़ी बढ़ानी है। और ये भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका आने का इरादा हो रहा है देख कर। ये रहा इसकी पीछे एक और भी है, ये रहा इसका इरादा हो रहा है आने का। तो भाई अभी का सीन कुछ, आज हमारे यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, इवेंट भी हमारी यूनिवर्सिटी में। तो एक बजे क्लास भी, भाई क्लास भी अटेंड करेंगे और वहीं से इवेंट भी अटेंड कर लेंगे। तो अभी का सीन कुछ जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। तो फिर मिलते हैं। A few moments later. हाँ तो भाई ये एक छोटा सा इवेंट था जिसकी मैंने आपको अब पूरी दिखाई। इवेंट में बेसिकली हो रहा क्या था, ये बेसिकली जो बाहर मुल्क की जो कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जैसे UAE हो गई, रशिया हो गई, सूडान हो गया फॉर एग्जाम्पल, और तुर्की हो गया, काफ़ी कंट्रीज़ को इधर रिप्रेजेंट किया गया था। अब मैंने इधर वॉइस ओवर वीडियो के साथ इस वजह से नहीं की क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था और म्यूज़िक जो था वो कॉपीराइट मेरे को दे सकता था वीडियो में, तो मैंने बोला क्यों ना बाद में वॉइस ओवर की जाए, इसलिए मैंने अपनी वीडियो बनाई और बाद में वॉइस ओवर करा था। काफ़ी मेहनत की बच्चों ने, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिसेंट सा, सब ने अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, एक अच्छा लुक आ रहा था। सब ने बहुत मेहनत करके बनाया था, लेकिन कुछ स्टॉल्स ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की हुई थी। बहुत अच्छे स्टॉल से ओवरऑल सबके स्टॉल बहुत अच्छे लग रहे थे, एक डिसेंट से। अब ये देख सकते हो, ये ब्राज़ील आ गया था, ये देखो ब्राज़ील का पूरा उन लोगों ने अपना एक दिया हुआ है, पूरा एक वो कल्चर पूरा उन लोगों ने अपनाया हुआ है सारा। तो इवेंट हम लोगों ने पूरा इस वजह से अटेंड नहीं किया क्योंकि हमारे कहीं काम से जाना, तो इवेंट अटेंड पूरा नहीं कर पाए थे। हाँ तो चेक कर सकते हो, ये भी एक स्टॉल है, काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था इन्होंने। तो अब कुछ साइनामेटिक्स हैं, उस पर इन्जॉय करो आप। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... few moments later जैसे आ चुके क्लास भी ले लेती और भाई कुछ इवेंट की पिक्चर्स भी बनाई थी, सो फाइनल मैंने शॉर्ट लिए वो भी एंजॉय करना आप। और आपको भाई एक मैं ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं। एक चीज दिखाता हूं आपको, वो मुर्गियां सामने, वो इधर वाली मुर्गियां इधर वाली, तो ये मुर्गियां बनके मैं आपको पहले दिखाता हूं साइज, फिर बात करते हैं। चेक कर सकते हो अच्छी खासी ये बड़े साइज की मुर्गियां, ये रही एक ही रही और एक पीछे पीछे हो रही। तो इन्होंने हादसा कर दिया हमारे साथ, इन्होंने ना
एक हमारे साथ प्रैंक कर दिया। प्रैंक क्या हुआ भाई, इनको जब बाहर निकालनी थी अम्मी तो इनकी पेटी में अंडा था, जब अंडा चेक किया तो भाई ये चेक करो भाई ये क्या हो गया, ये इस मुर्गी ने अंडा दिया भाई, इससे बड़ा तो कबूतर का अंडा होता है, इतना छोटा अंडा दिया है, इससे बड़ा कबूतर का अंडा होता है भाई, तो एक ही काफी ज्यादा शॉकिंग, मतलब तो भाई एक बहुत ज्यादा ना शौक लगा कि भाई इतना छोटा अंडा भी होता है और वो भी मुर्गी का, यकीन नहीं हो रहा अभी तक मुझे, यकीन नहीं हो रहा कि ये मुर्गी का अंडा है, लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि हाँ ये मुर्गी का अंडा है, वो ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि आप चक्कर से तो काफी ज्यादा ना देसी अंडा वाला कलर होता है ना ब्राउन ब्राउन लाइट ब्राउन वैसा इसका कलर है, तो भाई यकीन नहीं हो रहा है इससे बड़ा कबूतर का अंडा होता है भाई, इससे बड़ा कबूतर का अंडा होता है, तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये मुर्गी का अंडा है, अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि ये एक मुर्गी का अंडा है भाई साहब। हाँ तो बेबी का सीन कुछ होकर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बेबी आपको एक मजे की चीज़ दिखाते हैं, वो चीज़ क्या है, अरे हाय 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 चेक कर सकते हो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए, बड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं भाई ये दोनों, चेक कर सकते हो, तो अभी चलते हैं भाई ऊपर, परिंदा को दाना पानी डालना है, स्पेशली कबूतरों को डालना, और सबको शायद डाला हुआ है तो ऊपर जाके बाघ से दिख गया था एक कबूतर, तो भाई इसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ा क्यों क्योंकि इसके पर जो है वो बंधे हुए हैं, तो पर इसके जल्दी से खोलते हैं भाई, ऐसे ये पर इसके बंधे हैं तो इसके पर जल्दी से खोलते हैं, कितना प्यारा है माशाल्लाह, बदर चेक करो यार, ओह माय गॉड वाओ, क्या मजे का वेदर है भाई, तबाही वाला, चेक कर सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, इधर चेक करो और इधर चेक करो भाई साहब, इट्स अ अनरियल वेदर, इट्स अ अनरियल व्यू भाई साहब, तो इसके पर कहानी एक पूरी सरार बंदे की है जिसका नाम अमजद खान था, अमजद खान ये वाला बंदा, अमजद ये बंदा है दोस्तों, इसका इसकी कहानी है कि ये एक पूरी सरार तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाता था, और ये एक तल्ले में काम करता था जो दिहाड़ीदार मजदूर था, कभी तो भाई अभी का सीन कुछ हुआ यार कि शाम हो चुकी थी भाई, तो आज मैच देख रहा था पाकिस्तान का, और भाई उस वजह से फिर कहीं जाना भी पड़ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ गया था, क्या ही मैच हुआ तबाही कर, मजे का मैच हुआ आज मैं, हाँ तो भाई आज जो मैच स्टार्ट हुआ यार क्या ही तबाही वाला मैच खेला भाई, न्यूजीलैंड ने भी काफी अच्छी बैटिंग, एक अच्छा टारगेट सेट किया, कोई 340 का टारगेट सेट किया भाई, काफी लंबा टारगेट होता, बेशक बैटिंग विकेट हो फिर भी एक बहुत बड़ा लंबा टारगेट होता भाई, उसके बाद रिप्लाई में पाकिस्तान ने क्या ही तबाही वाला रिप्लाई दिया, फौजी ने 180 मार के गेम फिनिश किया नॉट आउट, अनबिलीवेबल बैटिंग की, ये भी एक पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया, और फौजी ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, फास्टेस्ट 3000 रन बनाए 67 मैचेस में, बाबर आजम के 68 मैचेस में थे और फौजी ने 67 मैचेस में रन बनाए, तो अभी कुछ लौंडे लपाटे अपने वो इधर, आज सैटरडे नाइट थी, कल अपना मैच था संडे, तो सैटरडे आज नाइट थी, तो हमारा इधर इरादा बन रहा था कि सब आके कुछ खाना वाना इधर ही पकाएं और खाएं, तो एक से एक फनकार पूरा आया हुआ इधर, बच्चोदिया इधर ज़्यादा करेंगे, कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा इधर की, तो अभी दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है और फिर मिलते हैं। हाँ तो बेबी का सिंह जो फाइनल जो टच है आपको दिखाते हैं, अभी मसाला जो अपना रेडी हो चुका है, टमाटर नहीं दिस है, ये अपने शेफ जो लगे हुए प्याज भाई, अपने शेफ लगे हुए, कल अपना मैच तो नहीं था तो हमने बोला क्यों ना एक नाइट अपने रखी जाए, मतलब लेकिन वो टेप बॉल का मैच है, हार्ड बॉल का मैच जो नहीं, वो हार्ड बॉल का जो है 14 मई से मैच स्टार्ट होंगे हमारे, उससे पहले जो है ना वो टेप बॉल के मैच स्टार्ट होंगे, और चेक कर सकते हो वही अपना मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, और चिकन बॉयल ये रही, तो ये भी इसमें डालते हैं, तो फिर आपको उसका लुक दिखाते हैं फाइनली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, क्या हुआ बोतल का, एक बोतल
भी नहीं हो अभी तक। मुंह तुम्हारा बड़ा है और बातें तुम्हारी इतनी छोटी छोटी, समझ रहे हो? तुम्हारे बहन जो जिंदगी में इतने पैसे नहीं है, पैसे क्या होते हैं? आओ जरा हवेली पे आओ, बता दूं पैसे क्या होते हैं। तू समझा? नहीं तू समझा। चिकन के 1800 रुपए दिए मैंने यार, 1800 रुपए एक जीरो डाले उसमें। 1800 रुपए का नहीं है, 1800 रुपए का तेरा मुंह है, 1800 रुपए की कर रहा है फिर भी 1800 रुपए का नहीं। ये तूने बात फरमान की है, किसी और की होती मैं 1800 मान भी लेता। चल अच्छा तेरा मुंह है, अच्छा 1800 पैसे का तेरा मुंह है, 1800 दिए दे। हाँ तो भी अभी मिलवाते हैं जो हमारे शेफ है, कप्तान भी यही है, शेफ भी यही है, और मतलब तो कहते हैं ना इवेंट अरेंज भी यही करते हैं सारे, सब कुछ ऑल इन वन है। तो मिलवाते हैं जरा, पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं भैया। आओ जरा जी कप्तान साहब, क्या बना रहे हैं भैया जी? मैंने आज चिकन कढ़ाई का सीन बनाया हुआ है। अच्छा, तो अभी बस एंडिंग में है मराई। अच्छा, आप देर लेट हो गए हो। लेट हो गए। अच्छा तो आज देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी था, उसके बारे में क्या बोलना? फखर जमान यार, बेस्ट यार, क्या बैटिंग है यार। आप बोलो। उन्हें तो मैच ही नहीं देखा। आप बोलो। मैंने मैच देखा यार, फखर जमान की बैटिंग आउट से, लेकिन यार बाबर आजम ने भी अच्छा खेला और मोहम्मद रिजवान की जो बैटिंग है, फखर जमान के छक्के है ना, मतलब फौजी ने आज महफिल लूट ली, आपका कहने का मतलब है? फौजी वन मैन आर्मी हो, वन मैन आर्मी तो वो भाई है। पहले मैच में सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में 180 मारे, तीसरा कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरी मार चुका है फौजी, और चौथा फौजी ने रिकॉर्ड बना दिया। भाई रिकॉर्ड क्या बनाया ये आपको बताते हैं? रिकॉर्ड बनाया 67 मैचेस में फास्टेस्ट 3000 रन का रिकॉर्ड बना दिया, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है भाई इसकी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। A few moments later. हाँ तो भाई अभी कुछ हूँ यार कि घर पे आ चुका हूँ, और क्या ही मजे की कढ़ाई बनी हुई थी यार, अच्छी बनी हुई थी लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा हो गई थी भाई। तो वो भी कसीन कुछ हुए कि यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को ज्वाइन करो ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।